नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर बड़ा आरोप, बोले एनसीबी में उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार, 100 करोड़ वसूली मामले में की कार्रवाई, केंद्रीय एजेंसियां कर रही जांच। चुनाव से पहले चन्नी सरकार ने दिया तोहफा, बिजली दरों में की प्रति यूनिट 3 रुपए की कटौती। दिल्ली में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, 110 रुपए हुआ पेट्रोल, डीजल 98 रुपए के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। खबरों की शुरुआत बड़ी जानकारी से करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध करेंगे तीर्थ पुरोहित, ऐसी जानकारी मिल रही है। 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने प्रदेश भर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उच्च स्तरीय समिति में तीर्थ पुरोहितों को शामिल न किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। तीर्थ पुरोहितों ने 3 नवंबर को केदारनाथ कूच करने का भी ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उसका विरोध करते हुए तीर्थ पुरोहित नजर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध करेंगे तीर्थ पुरोहित, देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सुभाष कौर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर? लगातार तीर्थ पुरोहित सरकार से खफा नजर आ रहे हैं। पहले वादा किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन अब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। जी बिल्कुल, देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार जो तीर्थ पुरोहित है उनकी नाराजगी नजर आ रही थी। जैसे ही इस बोर्ड का गठन किया गया था, उसके बाद से ही जो तीर्थ पुरोहित थे, चाहे वो केदारनाथ धाम के हों, बद्रीनाथ धाम के हों, गंगोत्री के हों या फिर यमुनोत्री धाम के हों, सभी धामों के जो तीर्थ पुरोहित थे वो काफी नाराज सरकार से चल रहे थे और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया भी गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों से वादा किया था कि आगामी दिनों पर इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के बाद ही निर्धारण किया जाएगा कि आखिरकार इस बोर्ड को रखा जाता है या इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। लेकिन 30 दिन से अधिक का समय हो गया, उसके बाद भी जो लोगों की उम्मीदें थी, तीर्थ पुरोहितों की जो उम्मीदें थी, उस पर कहीं ना कहीं सरकार खड़ी उतरती हुई नहीं नजर आई और यही कारण है कि बड़ा विरोध प्रदर्शन अब सरकार को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल सुभाष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसका भी विरोध यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित है वो करते हुए नजर आएंगे, ऐसा ऐलान उन्होंने किया है। इससे पहले भी अलग अलग तस्वीरें सामने आ चुकी है, गंगोत्री में पूजा पाठ को बंद कर दिया गया है, ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है। इसके अलावा जो केदारनाथ पुरी है वहां पर भी जाकर वो प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो क्या सरकार आगे फैसला ले सकती है, क्योंकि बहुत बार यहां पर आश्वासन दिया गया है तीर्थ पुरोहितों को, व्यापारी भी अब तो नाराज नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल बड़ा विरोध प्रदर्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीर्थ पुरोहित काफी नाराज है और बड़ा प्रदर्शन उनका खासतौर से जरूर देखा गया था राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन पर। लेकिन उससे बड़ी चीज ये कल जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उन्होंने केदारनाथ धाम के दर्शन करने से रोका और कहीं ना कहीं बिना दर्शन किए ही जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्हें लौटना पड़ा केदारपुरी से, तो कहा जा सकता है कि बड़ा विरोध प्रदर्शन जरूर तीर्थ पुरोहित करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी का 5 नवंबर का दौरा केदारनाथ का, केदारनाथ में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन बड़ी चीज ये है कि उससे पहले तीर्थ पुरोहितों का एक बड़ा ऐलान कि वो पीएम मोदी को केदारनाथ धाम पहुंचने नहीं देंगे, बड़ा विरोध प्रदर्शन उनका करेंगे जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत का। बिल्कुल, यानी ये लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुभाष, एक और चीज यहाँ समझनी होगी कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद नजदीक है, ऐसे में ये जो आंदोलन हो रहा है उग्र आंदोलन, इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ये बिल्कुल जरूर, खासतौर से 4 जो मुख्य जिले हैं, चाहे वो केदारनाथ धाम की बात की जाए या बद्रीनाथ धाम की भी जाए या उत्तरकाशी के जो जनपद आते हैं, चाहे उसमें गंगोत्री यमुनोत्री की बात की जाए, तो इन चारों ही विधानसभा सीटों पर बड़ा असर कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों का नजर आता है और कुल मिला के कहा जा सकता है कि इसका खामियाजा सरकार को जरूर भुगतना पड़ सकता है, भाजपा को जरूर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि
लगातार जिस तरीके से जैसे ही देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था तब से लेकर अभी तक जो तीर्थ पुरोहित है वो नाराज है। कमेटी जरूर बना दी गई है लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना है कि ये बोर्ड भंग करना चाहिए था, ये इनके विरोधी कहीं ना कहीं ये बोर्ड ने काम करना है। हालांकि सरकार चाहती है कि शाइन बोर्ड की तरह उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड काम करे और कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों के जो हक हकूक है जिसकी वो मांग कर रहे हैं उनको कोई छेड़खानी उनके साथ नहीं की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी है तीर्थ पुरोहितों की वो कम होती भी नजर नहीं आ रही और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब जो बड़े नेता है चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर लीजिए, फिर आगामी दिनों में पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो उनको भी भुगतनी पड़ सकती है। जी चलिए ठीक है सुभाष, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में प्रदर्शन यहां पर तीर्थ पुरोहित करते हुए नजर आ सकते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां तक नहीं पहुंचने देंगे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पहुंच रहे थे लेकिन उन्हें बीच में ही रोक लिया गया था, यानी कि यह आंदोलन जो है वह अब उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे, सपा एमएलए सुभाष पासी बीजेपी में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही मिल रही है। यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं, गाजीपुर की सैदपुर सीट से एमएलए हैं सुभाष पासी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो गाजीपुर की सैदपुर सीट से एमएलए हैं सुभाष पासी जो कि अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक और जो पाले बदले जा रहे हैं वो भी बखूबी दिखाई दे रहे हैं, दल बदल की राजनीति भी लगातार दिखाई दे रही है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। तो ऐसा ही अब हो रहा है जहां एक तरफ लगातार बीएसपी के जो विधायक थे वो सपा में शामिल हुए और एक बीजेपी विधायक था वो भी सपा में शामिल हुआ था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि अब बीजेपी में सपा का नेता बहुत बड़ा चेहरा शामिल होने जा रहा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनको पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं। आज ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, सपा एमएलए सुभाष पासी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उन्हें पार्टी ज्वाइन कराएंगे। दरअसल गाजीपुर की सैदपुर सीट से सुभाष पासी एमएलए हैं, गाजीपुर सीट बेहद अहम है और यहां पर अगर सुभाष पासी सपा में ना रहकर अपना पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो अंदाजा आप लगाइए कि ये जो चुनाव है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है और ये सीट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ रही है और सपा कितनी कोशिश कर रही है कि जो अपने बागी हैं उन्हें रोका जाए, साथ ही साथ जो दूसरी पार्टी के बागी हैं उन्हें कैसे पार्टी अपनी ज्वाइन कराई जाए, ये राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है। तो कांटे की टक्कर सपा और बीजेपी में साफ तौर पर दिखाई दे रही है और बीच बीच में कांग्रेस भी बड़े बड़े ऐलान करके कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, गाजीपुर की सैदपुर सीट से एमएलए सुभाष पासी वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, बड़ा चेहरा सुभाष पासी सपा के एमएलए गाजीपुर सीट से और वहां पर अब बीजेपी में शामिल होने की कोशिश, क्या कोई अंतर कला नाराजगी? देखिए काजोल, आपको जो देखने को मिल रहा है कि अब पार्टी बदल नीति ये बिल्कुल साफ नजर आ रही है क्योंकि कुछ बीएसपी के भी अभी नेता सपा में शामिल हुए थे, फिर उसके बाद बीजेपी में भी कुछ ऐसे बड़े नेता थे जो शामिल हुए थे। अब लगातार जो देखने को मिल रहा, खास तौर से इस बात को देखने को मिल रहा है, जो चेहरे हैं बड़े चेहरे हैं बीजेपी के हो या सपा के हो या फिर कह सकते हैं बीएसपी के हो, दल बदल नेता जो है अब शुरुआत हो चुकी है। अंतर करने की अगर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद जरूर देखने को मिला है, क्योंकि सूत्रों से हवाले से जो खबर है उसमें यही है कि कुछ बातों को लेकर विचार विमर्श पहले से भी चल रहा था लेकिन कुछ बातों या कुछ बिंदुओं पर बात नहीं बन पाई थी जिसके वजह से अब उन्होंने ये स्टेप उठाया और अब वो बिल्कुल रूबी, अगर सैदपुर सीट जो गाजीपुर की सैदपुर सीट है जहाँ से एमएलए है सुभाष पासी, एक अच्छा चेहरा है, एक मजबूत पकड़ उनकी वहां पर है और सपा से एमएलए हैं लेकिन अब बीजेपी जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में एक जो बड़ा वोट बैंक वहां पर उनका था वो कहीं ना कहीं बिखर सकता है। निश्चित तौर पर काजोल, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये काफी गद्दावर नेता देने जाते हैं वहां से और कहीं ना कहीं बिल्कुल अंतर कलह साफ देखने को मिल रहा है क्योंकि पहले भी कई सपा के ऐसे विधायक या कह सकते हैं इनके जितने भी पूर्व विधायक थे वो नाराजगी जरूर उसके अंदर दिख रही थी
और पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं सपा के, खासतौर से अगर हम बात कर रहे हैं तो दल बदल नीति उन्होंने अपनाई थी। अब यहाँ का जी चेहरा है खासतौर से माना जाता था, लेकिन अब जो सूचना मिल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो सामने वाले हैं बीजेपी का, उनका ये बात साफ दिख रही है कि कुछ गुटने की तैयारी करी होगी जिसके वजह से उन्होंने आज ये स्टेप उठाने के लिए फैसला लिया है। बिल्कुल रूबी, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सपा एमएलए सुभाष पासी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनको पार्टी ज्वाइन कराएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आपको बता दें कि गाजीपुर की सैदपुर सीट से सुभाष पासी एमएलए हैं। वहीं बाराबंकी में राइस मिल एसोसिएशन ने धान की कुटाई ना करने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि मिल मालिकों की मांगे प्रशासन ने अब तक नहीं पूरी की हैं और लगातार हम प्रशासन को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते अब मिल चलाना संभव नहीं है। बाराबंकी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राइस मिल्स एसोसिएशन ने धान कुटाई ना करने का ऐलान कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मांगे पूरी ना होने पर इसलिए हमने रोक लगाई है और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये रोक लगी रहेगी। प्रदेश यूनियन के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में चाबी सौंपने का कार्य किया जा रहा है कि जो हम लोगों की मांगे हैं वो प्रशासन द्वारा नहीं पूरी की गई, तो पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हर जनपद में जिला प्रशासन को चाबी सौंपने का कार्य किया जा रहा है। चाबी क्यों सौंप रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि पीछे 3 महीने से हम लोग बराबर सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हम लोगों की जो कुटाई का दर है 10 रुपये दिया जा रहा है 20 सालों से, उसको बढ़ा के 250 किया जाए, क्योंकि उस समय के जिस समय 10 रुपये निर्धारित किया गया था उस समय डीजल और बिजली का रेट 3 रुपये लीटर हुआ करता था, आज के समय में 100 रुपये लीटर डीजल पहुंच गया है। इनकम टैक्स विभाग कर्मियों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना देकर सरकार से पुनर्गठन पर पुनर्विचार की मांग की है। इनकम टैक्स विभाग के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सुनील रेनवा ने बताया है कि सरकार का आदेश है कि विभाग का विकेंद्रीकरण की बयास को सेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए, जिसके चलते यहाँ के जितने भी विंग्स हैं उनको खत्म करके जयपुर ले जाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है। तो बीकानेर की तस्वीरें, सरकार से पुनर्गठन पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। 2 घंटे का यहां पर धरना प्रदर्शन इनकम टैक्स कर्मचारियों द्वारा दिया गया है। सरकार से मांग की है कि इसका पुनर्गठन होना चाहिए, पुनर्विचार इस पर होना चाहिए और जब तक नहीं होता तब तक वो यूं ही इस तरह से सांकेतिक जो प्रदर्शन है वो करते रहेंगे, यूं ही धरना देते रहेंगे। बहुत स्पष्ट सी मांग है हमारी, दिनांक 24 तारीख को 24 सितंबर को सरकार का पुनर्गठन का आदेश आता है, जिसके अंदर विकेंद्रीकरण की बजाय वो सेंट्रलाइज कर देते हैं डिपार्टमेंट का, और लगभग जितनी भी यहाँ की विंग्स है उसमें रजिस्ट्रेशन को, एंटी इवेजन को, बिजनेस ऑडिट को यहाँ से ख़त्म करके और जयपुर ले जाते हैं। हमारी बहुत स्पष्ट सी डिमांड ये है कि इस विकेंद्रीकरण को लागू किया जाए केंद्रीकरण की बजाय, और जो वेतनमान की बहुत बहुप्रतीक्षित डिमांड जो चल रही है इस कैडर की उसको माना जाए, और इस पूरे आंदोलन के दौरान हमारे वाणिज्यिक कर सेवा संघ के ACTOs, TAs एंड JCTOs का पूरा संघ जो है राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दीपावली के मद्देनजर बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। बता दें कि काफी समय से मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों को त्योहार पर व्यापार बढ़ने की काफी आस लगी है। बीकानेर बाजार में जिस हिसाब से भीड़ नजर आ रही है उस हिसाब से खरीदार रहने पर दुकानदारों की भी दिवाली अच्छी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीकानेर से, आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े बाजार हैं वहां पर लोगों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा तादाद में दिखाई दे रही है। तो दिवाली के मौके पर लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, तो ऐसे में बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है, व्यापारियों को भी इससे व्यापार बढ़ने की आस लगी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीकानेर से, अंदाजा आप लगाइए कितनी ज्यादा संख्या में लोग निकले हुए हैं। हालांकि यहाँ पर लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन व्यापारी इससे बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूटी गई नकदी भी बरामद कर ली है, साथ ही अवैध हथियार और 6 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर फिलहाल के लिए जेल भेज दिया है। तिराहे के पास एएमयू के क्रिकेट ग्राउंड के पास एक व्यापारी के साथ, स्कूटी सवार व्यापारी के साथ एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें स्कूटी और पैसा उसमें लूटा गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए सिविल लाइन पुलिस द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम फरहान मिर्ज़ा, मुजम्मिल उर्फ बरबुआ, मोहम्मद बदर, मोहम्मद ताहिर, आसिफ समीर, इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लुटेरों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र इलाके में कुएं में मिली सिरकटी लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि युवक की हत्या उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर की थी और युवक के शव को कुएं में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। फतेहपुर का ही पूरा मामला, जहां पर कुएं से मिली लाश का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर हत्या की थी। देवराज नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई थी और 29 तारीख को कुएं से सिरकटी लाश बरामद हुई थी। थोड़ी दूर पे उनका सिर कटा हुआ सिर भी बरामद हुआ था, जो नीचे गाड़ दिया गया था, जिसके कुत्तों ने ऊपर खींच लिया था। यह एक बहुत ही नृशंस और संवेदनशील हत्या थी, सनसनीखेज हत्या थी। इसके लिए जनपद फतेहपुर की सर्विलांस टीम और गाजीपुर की टीम ने बहुत ही मेहनत किया, प्रयास किया और उसका नतीजा ये हुआ कि इसका सफल अनावरण हुआ है। रविवार को फिरोजाबाद जिला प्रशासन को टूना रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर टूना रेलवे स्टेशन परिसर में क्षेत्राधिकारी एसडीएम की मौजूदगी में आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं चेकिंग के बाद पुलिस को सब कुछ ठीक मिला, जिसके बाद मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारियों ने आरपीएफ पुलिस को रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। पत्र प्राप्त हुआ था, उसमें आसन्न खतरे को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसमें सभी पॉइंट्स पर हमने अपनी ड्यूटियाँ वगैरह चेक की, पूरी तरह से सुरक्षित है। जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी उनको दूर करने हेतु निर्देशित किया गया है और समय समय पर ऐसे चेकिंग अभियान चलाया जाता रहे, ताकि जनता भी सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। कल एक पत्र मिला था जिसमें ये था कि टूंडला रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने के लिए बोला गया था, उसी के संबंध में मैंने पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ टूंडला और यहाँ के सीओ टूंडला, जीआरपी और आरपीएफ सभी ने मिलकर विद डॉग स्क्वाड हम लोगों ने चेकिंग की है। पूर्णतः सुरक्षित है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अपील करती हूँ जनता से कि आप किसी तरह की बेवजह की जो भी अफवाहें उन पर ध्यान ना दें। इसके बावजूद हम यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं और देख भी रहे हैं। हमीरपुर जिले में यातायात माह नवंबर की शुरुआत पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम कर की गई। कार्यक्रम में आए सदर विधायक युवराज सिंह और पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर यातायात माह के कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम में आए हुए लोगों को पुलिस अधीक्षक ने यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हुए ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में स्कूली बच्चों सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यातायात माह की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम में सदर विधायक युवराज सिंह ने शिरकत की है। यहाँ पर यातायात के जो नियम हैं वो लोगों को बताए गए हैं। मासूम बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे, जो लगातार किस तरह से सिग्नल का इस्तेमाल हो, सिग्नल को किस तरह से फॉलो करना चाहिए, तमाम बातें यहाँ पर रखी गई। ट्रैफिक्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग भी चल रहे हैं ट्रैफिक और अलर्ट रहे हमेशा जब भी गाड़ी चलाएं। हेलमेट मस्ट है, अभी सभी लोग जानते हैं, लेकिन पहनता कोई नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं पहनते और खास तौर से नए बच्चे, पता नहीं उनको ऐसा क्या लगता है कि अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उनकी क्या बात बन जाएगी। लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है तब बड़ी तकलीफ़ होती है और ख़ास तौर से उनके गार्जियन से, तो हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा कर ही चलें, लापरवाही से न चलें। इस अवसर पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से
यहां सदर विधायक जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और एक रैली का आयोजन किया गया जिसके उनके द्वारा झंडी दिखाई गई। सरकार की ये इच्छा है कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाया जाए, लोगों को यातायात के प्रति जागरूक बनाया जाए और न सिर्फ सरकार बल्कि सबकी चिंता का विषय है बढ़ता हुआ दुर्घटना, इनको रोकने के लिए हम ट्रेनिंग का प्रबंध कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इन चीज़ों को प्रभावी ढंग से रोका जा सके और सुगमता से यातायात चल सके। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री रविंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के गुर्गे दिनदहाड़े सड़क पर रंगदारी मांगने लगे और रंगदारी नहीं देने पर उनकी पिटाई शुरू कर दी। वहीं मुख्तार अंसारी के गुर्गे बीजेपी नेता को पीटते देख कुछ लोगों ने किसी तरह से बीजेपी नेता को बचाया। वहीं मामले में बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने से उसके गुर्गे की ओर से बीजेपी नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो मऊ का ये पूरा मामला है जहां पर बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री रविंद्र सिंह की पिटाई की गई है, मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने उनकी पिटाई की है जिसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री रविंद्र सिंह यहां पर मौजूद थे और मुख्तार अंसारी के गुर्गे बताए जा रहे हैं जो कि उन्हें सरेराह पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वो शिकायत लेकर पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई कर रहे हैं इससे उसके गुर्गे काफी ज्यादा परेशान हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है और इसी वजह से वो बीजेपी नेताओं पर लगातार हमला कर रहे हैं। हम वो फागू चाय वाली दुकान पे सादतपुरा में हम लोग चाय पी रहे थे, हम थे और ये तिवारी जी थे, और तब तक एक राजू सिंह नाम का एक लड़का आया जो बताया जाता है कि मुख्तार का गुर्गा है और वो हमको तुरंत पकड़ के पैसा मांगने लगा कि पैसा दो मुझको। मैं अवाक रह गया कि कैसा पैसा, मैं पूछने लगा कैसा पैसा तुमको, कैसा पैसा चाहिए। वो कहने लगा मुझको तुरंत पैसा चाहिए, पैसा नहीं दोगे तो अभी ठीक कर दूंगा, और वो तुरंत हाथापाई करने लगा, एक मारने लगा मुझको। तो पूरा मामला मऊ का था जहां पर मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं वो लगातार बीजेपी नेताओं को पीट रहे हैं, ऐसी तमाम तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी है। तो वहीं बेगूसराय के लाल और जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में लैंडमाइंस विस्फोट में शहीद हुए सपूत ऋषि रंजन का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ सिमरिया घाट पर किया गया। ऋषि रंजन सिंह के पिता राजीव रंजन सिंह ने मुखाग्नि देकर अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। वहीं दौरान ऋषि रंजन सिंह की शव यात्रा में हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहीद ऋषि रंजन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल लैंडमाइंस विस्फोट में ऋषि शहीद हुए थे, उनका पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक गांव पहुंचा और यहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। देखिए, लेफ्टिनेंट ऋषि के शहादत को लेकर के पूरे बिहार और बेगूसराय में गुस्सा कालम ये है कि आप देख रहे हैं कि यहां के नौजवान पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये आक्रोश है पाकिस्तान के कायरतापूर्ण रवैये के कारण, और मैं इतना ही कहूँगा कि ऋषि का परिवार एक ऐसा परिवार था कि पांच पांच लोग राष्ट्र की सेवा में सेना में थे, और आने वाले दिन ऋषि की शहादत बेकार नहीं जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कांग्रेस को भरोसेमंद नहीं बताते हुए उन पर हमला तेज कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि वो पार्टी चीजों से समझौता करती है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से जनसभाओं की एक झलक साझा की जहां टीएमसी सुप्रीमो को कांग्रेस को एक गैर भरोसेमंद पार्टी कहते हुए देखा गया। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पर निर्भर नहीं हो सकते क्योंकि कांग्रेस समझौता करती है, हम समझौता नहीं करते। हम मर सकते हैं लेकिन हम बीजेपी को मजबूत नहीं होने दे सकते। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।